ये कलर हम यूज़ करेंगे लीफ को पेंट करने के लिए, और वाइट भी यूज़ करेंगे क्योंकि शेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, शेड इससे बहुत अच्छा आ जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप बहुत ही आराम से फैब्रिक पेंटिंग सीख सकते हैं। इस लीफ को मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से शेड करूँगी, तो आपको ध्यान से देखना है, ये एकदम बेसिक शेड नहीं है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ सिखाना चाह रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम एक साइड लगा रहे हैं वाइट कलर, देखिए बहुत ही आराम से ब्रश, आपकी लीफ जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से आप ब्रश ले सकते हैं। और पहले से हमारे ब्रश में ग्रीन कलर लगा था, तो वो वाइट ग्रीनिश वाइट हो गया है मिलने के बाद। और हम पूरी लीव में जो इधर मैंने शेड किया था अभी मैंने उधर भी लगा दिया है। फिर लेंगे ग्रीन कलर और इस तरीके से स्ट्रोक देते हुए उसको आप पिटल का शेप देंगे। फिर दूसरी तरफ भी यही करेंगे, देखिए, और उसको हल्का सा खींचेंगे ताकि उसका शेड अच्छे से आ जाए। फिर ब्रश को साफ़ कर लेंगे किसी कपड़े में और सूखे ब्रश से कलर को मिक्स कर देंगे। सूखा का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ड्राई होगा, मतलब साफ़ किया हुआ। फिर उसमें हम लेंगे डार्क ग्रीन कलर या सैप ग्रीन कलर और उसी तरीके से लगाएंगे। फिर ब्रश को कपड़े में साफ़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही दिखाया है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है पेंटिंग के लिए। तो ब्रश को कपड़े में साफ़ करने के बाद हम इस तरीके से उसको मिक्स कर देंगे ताकि हमारा शेड बहुत ही प्यारा आ जाए। फिर दूसरी लीव देखिए, मैं बिल्कुल आराम से इसको शो कर रही हूँ आपको जैसे बनता है, ये बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, ताकि आपको सारे स्टेप समझ आ जाए। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी आपका कमेंट वही होता है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखा करिए। अगर आप लोग ऑन करते ही कमेंट कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे पता लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन उसी वीडियो में बताया है फिर आप वही क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं। तो क्योंकि आपने नहीं देखा, आपने वो पार्ट मिस कर दिया है, इसलिए आपको समझ नहीं आया। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और फिर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैंने वाइट उसमें फिल कर दिया था, फिर मैं ले रही हूँ लीफ ग्रीन कलर और उसको लीफ के शेड में ही हम वन स्ट्रोक के स्टाइल में कलर लगाएंगे, और उसको खींचते हुए एक सेंटर, जो नीचे का एक सेंटर अपने दिमाग में एग्ज्यूम कर लेंगे और वहाँ तक शेड लाएंगे। फिर डार्क ग्रीन लेंगे या सैप ग्रीन, ऊपर हल्का हल्का लगाएंगे और उसको भी उसी तरीके से खींचते हुए नीचे लाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारी जो लीव है वो कितनी ही प्यारी दिख रही है। तो इसी तरीके से वन बाय वन हमें करना है। अगर बीच में आपका बहुत ज़्यादा वाइट छूट जा रहा है या एम्प्टी स्पेस है, तो आप इस तरीके से पहले उसमें कलर लगा दें और फिर दोनों तरफ ऊपर के साइड पर शेड कर दीजिए। फिर हम डार्क ग्रीन से इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। हल्का हल्का आप टचअप भी दे सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कैसे करना है। अभी सारी लीव बनाते हुए देखते हैं, मैंने बहुत ही आराम आराम से दिखाया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ब्रश के बारे में आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, मैंने ब्रश का 3-4 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं। देखिए, मेरी बात समझिए। पहली बात तो ये कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कोई भी आपका जो ब्रश है उससे पहले आप पेंटिंग करना सीखिए, शेड करना सीखिए, और हर डिज़ाइन के लिए ब्रश को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी लीव ज़्यादा बड़ी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का ब्रश ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जो आपका 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर जिससे आप करते हैं उसी से करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपका हाथ सेट हो चुका है। ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि आपको हमेशा ब्रश चेंज करना है, ब्रश तब चेंज करना है जब उसका हेयर ख़राब हो जाता है। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं एक दो वीडियो मैंने इस पर बनाया है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी यहाँ पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पेंटिंग के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपका शेड अच्छा आना चाहिए। अब शेड अच्छा कैसे आएगा, आपने एक ब्रश ले लिया है, आप अच्छी क्वालिटी का ब्रश लीजिए पहली बार में, तो उसका डिटेल मैंने वीडियो में बताया है आपको पहले से, और फिर उसी ब्रश से प्रैक्टिस करते जाइए। अपना क्लॉथ आप पेंट करें, बेडशीट जो भी करें, ताकि वो आपके हैंड जो है उस पर सेट हो जाए। तो आपको पता होगा कि उस ब्रश को कैसे चलाना है। अगर आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहेंगे, कभी फ्लैट कभी राउंड, और आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका हाथ किसी भी ब्रश पे सेट नहीं होगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ब्रश यूज़ करें, फ्लैट या राउंड, तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देखें आपको समझ आ जाएगा।
मैं एक बार और आपको शेड एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले वाइट को फिल कर लेंगे, फिर हम लेंगे लीव ग्रीन और जिस भी शेप में हमारी पिटल है उस शेड में वहाँ से ऊपर से रखते हुए ब्रश को नीचे की तरफ खींचेंगे। ब्रश में कलर होना चाहिए इस तरीके से, देखिए। और इसका कोना बना लेंगे पहले, जो ऊपर का होता है, या आप बना लीजिएगा, आप छोड़िएगा नहीं, मेरा हाथ सेट है तो मैंने उसको छोड़ा, आप बना लीजिए ताकि आपको शेप जो है वो डेफिनेट होके दिखे। इसके बाद हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे डार्क ग्रीन कलर, सैप ग्रीन, अपने ब्रश में और हल्का हल्का ऊपर डॉट डॉट या थोड़ा सा खींचते हुए लगा देंगे। ब्रश को साफ़ करेंगे और उसके बाद जहां हमने कलर लगाया था वहां से नीचे की तरफ खींचेंगे। नीचे की तरफ जब उसको थोड़े प्रेशर के साथ खींचेंगे तो आपका इस तरीके से शेड आएगा। दूसरी साइड भी हम यही करेंगे, पहले कलर लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। आप देखिए ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर आपकी लीव थोड़ी बड़ी हो, लेकिन डार्क कलर मैं हमेशा बोलती हूँ कम लगाइए, क्योंकि वो आपके लाइट कलर पे पूरा चढ़ जाएगा तो फिर उसको ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको कम हो आप बाद में लगा सकते हैं। फिर हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जहाँ जहाँ कभी कभी थोड़ा सा फैब्रिक छूट जाता है, वहाँ कलर नहीं लगता, तो ये सब देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो पेंट के बाद है बहुत ही फिनिश लुक आना चाहिए, उसके लिए हमें ये सब बात का ध्यान रखना है। फिर हम डिज़ाइन को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और फिर अच्छे से एक ही कलर से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, डार्क वाले ग्रीन से, और फिर हम नेक्स्ट लीव करेंगे। आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप ये ध्यान से देखिए तो आपको बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। आपको इस डिज़ाइन का स्केचिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने से आपको डिज़ाइन का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी स्केच है अब मैं वहीं पे प्रोवाइड करूँगी, ऐसे नहीं आपको मिल पाएगा। तो आप ध्यान दें कि अगर आपको स्केच चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, और अगर आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी कि आप कैसे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इधर की हमारी जो लीव है पेंट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट लीव को करेंगे। स्टेप सेम है, सबसे पहले हम वाइट को फिल करेंगे, देखिए इस तरीके से। अगर आपको अपनी कोई भी लीव पेंट करनी है, अगर आप कोई भी डिज़ाइन पेंट कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करिए, अपनी सारी चीज़ें लेके आइए, कलर, क्लॉथ, और अब वीडियो को देखते हुए पॉज कर करके आप भी वैसे बनाइए। सबसे पहले वाइट कलर लगा लीजिए। अच्छा, और ये कलर में मीडियम मिला है या नहीं, ये सारा आंसर मैं सिल्क वाले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कलर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लगा रहे हैं ग्रीन कलर। आप ऐसे स्टेप से पेंट करते जाइए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करिए तो आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपका मिसअप हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस वाले क्लॉथ पर करिए, जो मैंने आपको बताया था कि एक क्लॉथ ले लीजिए उस पर प्रैक्टिस करा करें, तो उस वाले क्लॉथ पे पहले आप कर लीजिए प्रैक्टिस और फिर आपको जहाँ बनाना हो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम नीचे की तरफ उसको ब्लेंड करेंगे, ब्रश पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तभी जो कलर है हमारा वो नीचे तक स्मूदली आएगा। और क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं ना, वो वाइट वाला स्पेस जो छूट गया है वहाँ तक हमें उसको खींच के लाना है। फिर हम डार्क ग्रीन कलर लगाएंगे और उसको भी खींचते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, लेकिन जो इससे पहले वाला ग्रीन था उसका थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे ताकि हमारा तीनों शेड दिखे, वाइट भी, लाइट ग्रीन भी और फिर डार्क ग्रीन भी। इससे हमारी जो लीव है उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको लग रहा हो कि कहीं पे कलर ज़्यादा है कम है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। अब इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप देखते हुए प्रैक्टिस करिए, या आप वीडियो देख लीजिए फिर अपना प्रैक्टिस वर्क करिए, वीडियो देख कर करिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक की चांस है वो बहुत ही कम हो जाती हैं।
सेम ही स्टेप्स से मैंने सारी डिज़ाइन की जो लीव है उसको पेंट की है, और मैं आपको ऐसे ही आराम से दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है ये, देखिए एकदम आराम से जैसे रियल में करते हैं वैसे। अब आप ये वीडियो चला के और अपना वर्क अगर पेंट करेंगे देख देख के, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने 3 स्टेप में किया है, वैसे ही अगर आप करेंगे तो बहुत ही आराम से आपका बन जाएगा। पेंटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, लगने दीजिए, लेकिन आपका बनना ठीक चाहिए। जल्दी जल्दी आप नहीं करेंगे, आप एक लीफ 5 मिनट में आपकी एक लीफ बन रही है तो कोई बात नहीं, अभी आप बिगनर्स हैं। लेकिन आपका अगर शेड अच्छा आ रहा है तो आफ्टर ऑल जब आपका वर्क आर्ट वर्क बन के तैयार होगा तो वो खूबसूरत लगेगा, फिर वो टाइम कितना भी लगाओ। और आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती है। स्पीड कैसे बढ़ती है? स्पीड प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, क्योंकि आपका हाथ सेट होता जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है। शुरू में आप जब ब्रश पकड़ते हैं कलर लगाते हैं तो एक अंदर डर भी रहता है और ये भी रहता है कहीं लग ना जाए ख़राब ना हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं मैं ठीक करूँगी, मैं अच्छा बनाऊँगी, ऐसा कुछ अंदर से ही होता है। तो आपका जो वर्क है वो जल्दी जल्दी भी बनता है और उसमें फिनिशिंग आती है। इसलिए अगर आपको अपने वर्क में फिनिशिंग लानी है या अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए आप एक कोई भी क्लॉथ 1.5 मीटर ले लें, उसमें जो मैंने बिगनर्स कोर्स में जितनी डिज़ाइन आपको सिखाई है वो सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, लीफ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपका सारा प्रैक्टिस वर्क एक जगह रहेगा तो आपको बहुत हेल्प होगी बाद में। और सारा वर्क जो भी आप शुरू करेंगे उसको आपको कंप्लीट उस डिज़ाइन को पेंट करना है। कोई भी डिज़ाइन आप ऐसे बना के आधा छोड़ेंगे नहीं कि इसमें का एक फ्लावर छोड़ दिए दूसरी डिज़ाइन बनाने लगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपको अच्छी लगे वो डिज़ाइन, नहीं लगे, अगर आपने शुरू कर दिया है तो आप फिनिश उसको करिएगा। जब भी कोई डिज़ाइन फिनिश होती है पेंट होके तो वो अच्छी लगती है, और अगर आप अपना वर्क छोड़ेंगे तो वो हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा आगे आगे आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे और वो वैसे ही इनकम्प्लीट रहेगा। तो आपको जब भी बनाना है आप कंप्लीट करके ही नेक्स्ट आर्ट वर्क बनाएंगे, ठीक है। ये सब बातों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, आगे का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको सारे स्टेप समझ आ जाएंगे अगर आपने वीडियो देखा। और आपके लिए जो भी आपने क्वेश्चन किए थे वो वीडियो सब बन रही हैं, 1 by 1 सब रिलीज़ हो जाएंगी, तो आपको बस टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करना है, बी पेशेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
देखिए, जैसे जैसे हमारी लीव वन बाय वन बनती जा रही है, अब साइड साइड पे जो बन के तैयार हो चुकी है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में इसको, एज अ फ्रेम पे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं और बनाते हैं तो आपका भी आर्टवर्क बहुत अच्छा बनेगा और आप पेंटिंग सीख जाएंगे। पेंटिंग सीखते हुए एक शेड को पहले आपको प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है। डिफरेंट डिफरेंट शेड आप सीखिए, बाद में सीखिए, लेकिन जब आप एकदम ही बिगनर्स होते हैं तो आप लोग कोशिश करते हैं कि सारे शेड्स आप ट्राई करने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि आप क्यों अच्छे से सीख तो पाते नहीं और आपका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है कि नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, एक एक शेड को प्रैक्टिस करना है। जब वो आ जाए तो दूसरा शेड सीख लेंगे, ठीक है। अब इस साइड के डिज़ाइन की हमारी सारी लीफ बन के तैयार हो गई है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर डार्क लगा रही हूँ, अब ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, तो ये कितना ही प्यारा दिख रहा है, क्योंकि इसका तीनों शेड दिख रहा है, अंदर से लाइट, फिर उससे थोड़ा सा डार्क और ऊपर से डार्क। अब ये सारे फ्रेम में जितनी भी लीव्स हैं कितनी ही खूबसूरत दिख रही हैं। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है, बनाना है और सीखते रहना है। अब हमारी सारी लीव जो है वो पेंट होके तैयार हो गई है। अब हम डिज़ाइन को ज्वाइन करेंगे डार्क कलर वाले सैप ग्रीन कलर से, इस तरीके से वन बाय वन। अच्छा, इसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 0 नंबर का ब्रश। देखिए, आपको दिख रहा होगा साइड पे मैंने सारा कलर रखा है और अब मैं डाल रही हूँ लीव में नस डाल रही हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्यारी और रियल लगने लगती है, इसलिए मैं हमेशा इसमें डालती हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर बिगनर्स हैं तो बिल्कुल भी मोटे ब्रश से मत करिएगा, 3-4 नंबर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको 0 नंबर का ब्रश लेना पड़ेगा और वो, क्योंकि वो पतला होता है और उसमें आप थोड़ा सा पॉइंट पे उसके कलर लगाएंगे और फिर उससे नस बनाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वरना अगर आपकी नस बहुत मोटी बन गई तो आपकी सारी जो शेडिंग आपने की थी वो ख़राब हो जाएगी, आपकी लीव बहुत ही अजीब दिखने लगेगी। तो इसके लिए आपको ज़रूर पहले प्रैक्टिस करना है और बाद में बनाना है, ठीक है। मैं वन बाय वन सब में नस डाल रही हूँ, ध्यान से देखिए।
इस तरीके से हमारी डिज़ाइन की सारी लीव और डंठल पेंट होके तैयार है और ये इस तरीके की दिख रही है। बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फ्लावर की वीडियो दिखाऊंगी पार्ट टू में और उसको डालने के बाद यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तब तक ये सारे फ्लावर की वीडियो देखिए। सी यू लेटर।